दोस्तों, स्वागत है एक नई BGMI की वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई BGMI जो है कब तक देखने को मिलने वाला है, सर्वर वगैरह कब तक उसके ओपन होंगे, क्योंकि अभी लास्ट वाली वीडियो मैंने बताया था कि 25 तक हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन में अभी थोड़ा चेंजेस है क्योंकि कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कि भाई वेट कर रहे हैं BGMI जो है कब तक देखने को मिलने वाला है। और अभी तक जितना भी सपोर्ट आप लोगों ने किया सबका भाई दिल से थैंक यू। और आने वाले टाइम में BGMI आने के बाद मे भी शायद हो सकता है हम BGMI के ऊपर भी कुछ वीडियोस वगैरह बनाएं, और मे भी शायद आज न्यू स्टेट का भी अपडेट आने वाला है तो उसके ऊपर भी वीडियो आज आ जाएगा चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई 25 तारीख का क्या सीन है गेम का। तो अभी देखो गेम जो है वो प्ले स्टोर के अंदर वापस आ चुका है। अभी जो वापस वर्जन आया है वो पुराने वाला ही है, वो अनलॉक हुआ है, इसीलिए कई लोगों को वो डाउनलोडिंग वगैरह भी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि कल मैंने वीडियो बना के भी आप लोगों को बताया था कि डाउनलोड तो आ चुका है लेकिन इसको करने का कोई फायदा नहीं है ऐसा अभी, क्योंकि अभी वो अनलॉक हुआ है और अनलॉक की वजह से वो दिखाई दे रहा है। वेबसाइट से जाओगे तो डायरेक्ट दिखाई देगा, मतलब वो अवेलेबल हो चुका है लेकिन उसके अंदर अपडेट नहीं हुआ है। तो अब अगर अपडेट की बात करें कि प्ले स्टोर को कब तक अपडेट मिलेगा, तो कोशिश है, मतलब उम्मीद लगाई जा रही है कि प्ले स्टोर को जो अपडेट है वो मिल जाएगा 25 तक, यानी ये जो आने वाली 25 तक शायद प्ले स्टोर को अपडेट वगैरह मिल जाएगा। और अगर गेम की लॉन्च की बात करें तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और वो टाइम किस लिए लग सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ऐसा सीन है कि अभी जो नया अपडेट आया गेम के अंदर 2.6 जो अभी आप उसको बोल सकते हो बैक एंड पे भी चल रहा है, अब कुछ लोगों को मिला है कुछ लोगों को नहीं मिला है, ये चीज़ अभी भाई क्लियर नहीं है कि किसको मिला है किसको नहीं मिला है। लेकिन जो 2.6 अपडेट है BGMI का उसकी टेस्टिंग चल रही है, ये बात बिल्कुल सच है, और क्राफ्टन ने भी ये चीज़ बोली है कि उसकी टेस्टिंग चल रही है। अभी यहां पे एक क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि अभी जो टेस्टिंग चल रही है अभी वो कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेस्टिंग के अंदर भी अगर उसके अंदर कोई बग्स वगैरह होंगे या फिर कुछ ग्लिचेस वगैरह हमें देखने को मिलेंगे और सर्वर की प्रॉब्लम अगर देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो 2.6 अपडेट आएगा उसके अंदर थोड़ी बहुत तुम्हें सर्वर की प्रॉब्लम शायद देखने को मिले, या मे बी शायद कुछ लोगों का जो है गेम चलते चलते भी क्रैश हो सकता है ऐसा, क्योंकि सर्वर में कुछ फेरबदल हुए हैं जो मैंने तुमको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि सर्वर की वजह से ये सारा जो है सीन चल रहा है, और कुछ नए जो मोड वगैरह हैं मतलब गेम खेलने के जो तरीके हैं मे भी शायद उसमें भी कुछ चेंजेस हों। अभी उन सब चीज़ों की टेस्टिंग चल रही है, वो उनके अपने और इंटरनली टेस्टर हैं वो लोग इसको करते हैं, मे भी शायद कुछ इन्फ्लुएंसर को उन्होंने दिया हो इस चीज़ के बारे में कि 2.6 जो अपडेट है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसके अंदर कोई ग्लिचेस हैं बग्स हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो बिना किसी टेस्टिंग वगैरह के प्ले स्टोर पर आपके लिए अवेलेबल करा देंगे तो भाई फिर बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी यार BGMI के इतने सारे फ़ैन हैं कि लोग यार इस सब चीज़ को वैसे इग्नोर कर ही देते हैं, लेकिन अभी आप सब लोग वेट कर रहे हो कि यार अब अगर 25 को प्ले स्टोर को मिल जाएगा 25 को अपडेट अगर, तो हमें कब तक देखने को मिलेगा और iOS वालों का क्या सीन है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी टेस्टिंग चल रही है और अभी फ़िलहाल के लिए जो नई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली 26 या 29 को जो है गेम आ जाना चाहिए इसी हफ्ते में, तो उम्मीद है कि आ जाएगा गेम इसी हफ्ते में। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ iOS वालों के लिए, iOS वालों को शायद थोड़ी देर में देखने को मिले, एंड्रॉयड वालों को जो है पहले देखने को मिले। अब iOS वालों को कितनी और देर में देखने को मिलेगा उसके लिए मैं वीडियो भी बना दूंगा, अभी उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं आई है उसके रिगार्डिंगली कि iOS वालों का क्या होगा, क्योंकि भाई महंगे लोग हैं महंगे शौक हैं तो इस करके थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अब सर्वर की बात करें तो सर्वर का क्या ऐसा है कि अगर गेम प्ले स्टोर के अंदर आता है तो उसके बाद सर्वर को ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब गेम प्ले स्टोर के अंदर आएगा तो बहुत सारे लोग जो है डाउनलोड करेंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक वगैरह भी रहेगा गेम का, क्योंकि यार अभी इतने सारे लोग एकदम से डाउनलोड करेंगे तो प्ले स्टोर वालों की भी हालत ख़राब हो रखी होगी कि प्ले स्टोर ही क्रैश हो जाएगा। और अभी BGMI के इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जैसे भाई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना, मतलब उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यार हाइप जो है बहुत ही तकड़ी है, मतलब क्राफ्टन वालों को जो है गेम बैन होने का फ़ायदा हो गया, क्योंकि जब वापस आ रहा है तो भाई डबल मतलब एकदम फुल चार्ज के साथ वापस आ रहा है। अभी मार्केट में ऐसा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 को आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तारीख को आ जाएगा, कुछ को कह रहे हैं कि इस तारीख से पहले आ जाएगा। देखो अगर मेरे से तुम बात पूछो कि क्या सारा सीन है, तो अभी गेम जो है वो टेस्टिंग पे चल रहा है, अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक आएगा। एक्चुअली यहाँ पे जब उनका फाइनलाइज हो जाएगा कि हाँ अब जो है गेम स्टेबल है, हम हमें गेम जो है दे देना चाहिए, क्योंकि PUBG मोबाइल के अंदर जो है वो भाई रॉयल पास तो आ ही चुका है, और
अभी इसके अंदर भी वो स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही आएगा तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक गेम वो स्टेबल नहीं करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं बोलूँ कि क्राफ्टन को पता है कि किस डेट को लॉन्च करेगा, तो यार वो कहना भी थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि सीन यहाँ पे ये है ना कि जब तक टेस्टिंग ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक उनको क्लियर नहीं हो जाता कि हाँ भाई ये चीज़ स्टेबल हो चुकी है, तब तक वो है जो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराने वाले। और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है कि भाई ज़्यादा आप खेल नहीं पाओगे जो छोटे एज के हैं, तो मे बी शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि गेम अब वापस जो आ रहा है ना वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन के साथ आ रहा है। गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ करने को उनको बोला है, क्योंकि टॉक्सिसिटी भी है एक चीज़ बहुत जो ज़्यादा होती है, तो वो भी शायद उसके ऊपर भी बहुत जो है तगड़ा इन्होंने काम किया है। और बात करें अगर तो ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, मे बी शायद हो कि काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह देखने को मिले, मे भी शायद लोगों वगैरह में भी कुछ चेंज हमें देखने को मिल सकता है। अभी मैंने ये बात सुनी है, लेकिन मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ कि क्या लोगों में कुछ चेंज वगैरह होगा या नहीं होगा, वो तो अभी जब आएगा गेम तभी पता चल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो 3 महीने के लिए गेम चल रहा है ना, वैसे तो परमिशन है गेम को, लेकिन मैं जितने भी BGMI वाले हैं, जो भी लोग BGMI वगैरह खेलते हैं, BGMI से प्यार करते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि गेम आ जाने के बाद भाई आराम से खेलना कोई, क्योंकि अभी ऐसा भी हो सकता है परमिशन तो है लेकिन गवर्नमेंट को तुम कोई मौका मत देना दोबारा से कि गेम को जो है शट डाउन कर दे, क्योंकि इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि BGMI का जो है रेवेन्यू और BGMI का जो है इमेज इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और BGMI की जो कॉम्पिटिटर गेम है बहुत सारे अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अगर BGMI की वजह से कुछ ऐसी चीज़ होती है कि भाई नुकसान हो रहा है किसी को, तो और जो कंपनीज़ वगैरह हैं वो भी शायद एक्शन लेगी या फिर वो उंगली कर सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुम चाहते हो कि BGMI जो है लॉन्ग लास्टिंग चलता रहे, इंडिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो तुम जो क्या बोलते हैं प्लेन में बैठते ही वो जो शुरू कर देते हो तेरी माँ की बहन की इधर आजा उधर आजा, तो वो सब मत करना अभी। और कुछ ऐसी गलत चीज़ भी मत करना जिसके भाई जो खबर जो न्यूज़ में चलनी शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे यह होता है कि सरकार ने अगर परमिशन दी है तो क्राफ्टन का भी एक पूरा मकसद है कि गेम को जो है एकदम अच्छे से चलाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई ऑडियंस की, क्योंकि आप मानो या ना मानो BGMI की जो ऑडियंस है वो भाई टॉक्सिक तो है ही, अभी लड़ाई झगड़े ये सब तो चलते ही रहते हैं, किसी ने क्रेडिट कार्ड उठा लिया, किसी ने कुछ उठा लिया, क्योंकि अब जो गेम आ रहा है ना वो भाई बड़े पॉजिटिव तरीके से खेलना, अब तुम बोलोगे भाई डेल्टा भाई ज्ञान दे रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कुछ भी अभी आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है ना कि लोगों ने कुछ कर दिया या ये हो गया, तो और जो गेम्स हैं कॉम्पिटिटर वो सपोर्ट ज़रूर करेंगी कि हाँ भाई इसको वापस से शट डाउन कर दो, क्योंकि और गेम्स ने भी अपने मार्केट में अपना नाम चलाना, और जब तक BGMI है, क्योंकि BGMI के पास बहुत ऑडियंस है, आप ये चीज़ क्लियर समझो, BGMI के पास बहुत सारी ऑडियंस है, तो इसलिए बहुत सारी गेम्स के टारगेट में भी BGMI रहता है हमेशा ही, और कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा है उनकी वजह से जो है बाकी जितने प्लेयर हैं उनको सफ़र वगैरह करना पड़ेगा, इसलिए जब भी गेम आए तो उसको एक हेल्थी तरीके से खेलना, एकदम माइंड के साथ खेलना, कुछ ऐसे भाई कांड वगैरह मत करना। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली 26 से 29 में भी शायद गेम हमें देखने को मिल सकता है, प्ले स्टोर के पास में भी शायद 25 के आसपास गेम जो है आ जाए। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।